Hello everyone. Today I am going to deal with a new topic, that is a dark reaction. And before this one, you have studied about the light reaction which was happening in the presence of sunlight. But this reaction is not depending directly on the sunlight, or you can call it as a light independent reaction also. And this is discovered by the scientist Kelvin. The reason it is also known as a Kelvin cycle. ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या? हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कार्बन फिक्सेशन विल बी अवर फर्स्ट मोटिव. दिस इज अ स्टेप नंबर वन. ओके, कार्बन फिक्सेशन कैसे करेंगे? CO2 बाइंड्स विद RuBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, इट इज अ शुगर, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रुबिस्को. एंजाइम रुबिस्को की प्रेजेंस में राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है, उसको क्या किया जाएगा? कार्बन के साथ में बाइंड किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट दिस 5 कार्बन शुगर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 6 कार्बन शुगर. ठीक है, और वो 6 क्या होगा? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 3 कार्बन शुगर ईच. ये देख लीजिए, 3 3. ठीक है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. तो दिस 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इनको बाइंड करके क्या बनाया जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड. एंड दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, हाउ मेनी मोल्स? बेसिकली यहाँ पे आपके 2 बनेंगे ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द, दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन. एंड आफ्टर दिस वन देयर इज अ प्रोसेस व्हिच विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन फेज. एंड इन दिस फेज व्हाटएवर वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कार्बन फिक्सेशन, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड, इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ATP एंड द NADPH व्हिच वी गॉट फ्रॉम द लाइट रिएक्शन. दैट इज द रीजन इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन. Got it? So energy from the light reaction, this is what you got from the light reaction. Okay, if you are not going to get this one, then this dark reaction is not going to start. Okay, so carbon dioxide beta fixation कहाँ होता है? Dark reaction में. और ये जो light reaction में बना था ATP और NADPH, उसे भी use किया जाता है reduction phase में. ठीक है, एंड रिडक्शन फेज दिस ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट इज गोइंग टू नाउ कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ये ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट टर्न्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज आल्सो नोन एज अ शुगर. एंड नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस वन, दिस ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ATP, एक्चुअली यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू कंज्यूम दिस ATP. हियर यू आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर हियर. तो ये ATP कंज्यूम होकर के ये ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये क्या हो जाएगा आपका? कन्वर्ट होगा ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस ATP. ये कन्वर्ट होगी बेटा बेसिकली राइबुलोज बाइफॉस्फेट में. ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राइबुलोज बाइफॉस्फेट से हमने प्रोसेस शुरू किया था, और यहाँ पे हमें राइबुलोज बाइफॉस्फेट स्टेप नंबर 4 में रीजनरेशन फेज में दोबारा से मिल रहा है, इसलिए हम इसको रीजनरेशन फेज कहते हैं. और ये जो बेटा प्रोसेस है कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में. सो दिस इज जस्ट बेसिकली द शॉर्ट ऑफ द केल्विन साइकिल और समरी यू कैन कंसीडर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस वन. गॉट इट? सो डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज इसे कहा जाता है. एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट नेम मेल्विन केल्विन. ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने. एंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन द बेसिकली स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होता है? स्ट्रोमा में. और बेटा ये जो प्रोसेस था ये बेसिकली क्लोरेला के साथ में किया गया था. क्लोरेला एक एल्गा है. ठीक है, एंड दे एम्प्लॉयड रेडियो ट्रेसर टेक्निक. और इस पर रेडियो ट्रेसर टेक्निक लगाई गई थी. कौन कौन सी? क्रोमाटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए. ठीक है, एंड दे हैव ऑल्सो यूज अ सॉर्ट ऑफ आइसोटोप. एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया गया था, जो कि यूज किया गया था 14 कार्बन के फॉर्म में. तो ये क्या किया गया था? क्लोरेला, ये जो क्लोरेला एल्गी थी इसको फेड किया गया. इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड दी गई वो लेबल्ड थी 14 CO2, जिसका कि कार्बन लेबल किया गया था 14. देन देवर किल्ड बाय ड्रॉपिंग. और पहले उनको फेड कराया गया, मतलब उनको CO2 दिया गया लेबल्ड वाला. उसके बाद में उनको मेथेनॉल में बॉइल कर दिया गया ताकि उनकी सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बंद हो जाए. ठीक है,
Then the extract was prepared. Extract मतलब the sort of juice was prepared from that one. Were prepared and then analyzed by chromatography. और उसके बाद में chromatography जो एक procedure है उसको उस पर लगाया गया, इसको यूज किया गया, फिर उसको उस फिल्म को एनालाइज किया गया जो क्रोमेटोग्राफी का रिजल्ट आया, उसको ऑटो रेडियोग्राफिक में भी स्टडी किया गया. ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसीजर लगाए गए फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए, क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी. उसमें क्या किया गया, देखा गया कि कैल्विन ने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 3 सेकेंड एक्सपोजर टू क्लोरेला इन द प्रेजेंस ऑफ 14 CO2, 3 सेकेंड एक्सपोजर दिया गया 14 कार्बन डाइऑक्साइड का, 14 यानी कि ये लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन वॉज फाउंड मेनली इन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का कंपाउंड था जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. और इट इज फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड और ये फोटोसिंथेसिस का पहला 3 कार्बन वाला कंपाउंड है. तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट जिसमें जिन प्लांट्स में बनता है 3 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट, उन्हें कहा जाता है C3 प्लांट्स. ठीक है, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्लांट, C3 एंड C4. तो ये C3 प्लांट्स में होता है. अमंग द 3 कार्बन ओनली 1 वॉज रेडियो एक्टिव. जो 3 कार्बन थे यानी कि फॉस्फोग्लिसरेडीहाइड के जो 3 कार्बन थे उसमें सिर्फ 1 कार्बन ऐसा था जो कि लेबल्ड था और बाकी दोनों नॉर्मल थे. सिंस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये जो PGA है ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट वॉज थॉट दैट CO2 वॉज प्राइमरली एक्सेप्टेड बाय 2 कार्बन कंपाउंड. तो कुछ ऐसा सोचा गया कि हो सकता है पहले किसी इसे 2 कार्बन वाले कंपाउंड में लिया हो फिर ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ है, पर ऐसा नहीं था. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड बाय अनदर साइंटिस्ट नेम्ड AA बेंजन, जिससे कि इस बात को कि ये 2 कार्बन कंपाउंड वाले से 3 कार्बन में बना है ऐसा नहीं था, मतलब उनका ये कहना था पहले 1 कार्बन CO2 वाला फिर उससे 2-3 बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो दे हैव ऑब्जर्व कि वहाँ पे ये जो CO2 था ये किसी 2 कार्बन कंपाउंड से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड ने एक्सेप्ट किया था जिसका नाम था राइबुलोज 1,5-bisphosphate. ठीक है, RUBPs का अनदर नेम है. दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज PGA, राइबुलोज 1,5-biphosphate विच इज ऑल्सो नोन एज RUBP. तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको प्राइमरीली एक्सेप्ट यानी कि सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड था वो एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज राइबुलोज 5-phosphate. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और इस 5 कार्बन कंपाउंड ने 1 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से वो 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, और वो 6 कार्बन कंपाउंड देन 2 में डिवाइड हो गया, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, हैविंग द 3 कार्बन कंपाउंड 2 in number, 2 कार्बन कंपाउंड बनाए जिनमें 3 कार्बन वाला यानी कि ये जो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसके ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये पहला, इसके बेटा 2 मॉलिक्यूल्स बने उसमें. ठीक है, 6 जो यहाँ पे हुआ था 6 को डिवाइड किया गया, 3-3 each, 3-3 कार्बन वाले ही बने पर 2 मॉलिक्यूल्स. सम PGA इज अगेन ट्रांसफर, और इसमें से बेटा जो कुछ PGA थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे वो दोबारा से ट्रांसफर हो गए राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था. ठीक है, जब ये साइकिल पूरी चली उसमें कुछ ऐसे थे जो दोबारा से जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो दोबारा से राइबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और फिर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और फिर से वो हेक्सोज शुगर यानी कि 6 शुगर वाला कंपाउंड बना, और उसके बाद में वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ. अभी केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल इज हैविंग बेसिकली 3 फेजेस, इसमें 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन. दिस आई हैव शोन यू इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, बट आई विल शो यू अगेन. फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज द कार्बोक्सिलेशन फेज. बेटा जो पहला फेज है वो कार्बोक्सिलेशन फेज होता है. कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट.
मतलब किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया जाता है उसको. कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP राइबुलोज बाय फॉस्फेट. ठीक है, राइबुलोज बाय फॉस्फेट क्या है आपका, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा तो ये 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे. लेट्स सी, सो हियर दिस इज अ राइबुलोज बाय फॉस्फेट. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने RUBP के, 3 लिए. और इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन आ गया. ठीक है, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ में रुबिस्को एंजाइम को अप्लाई किया गया तो RUBP इस कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP अलॉन्ग विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दे गॉट कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस बेटा कहलाता है कार्बन फिक्सेशन. ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलेशन. नाउ दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, जिसको रुबिस्को कहा जाता है. ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, बहुत वाइड वैरायटी में पाया जाता है ये. ठीक है, दिस एंजाइम इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो बेटा ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का है. तो ठीक है, यहाँ पे कितने ये आप देख सकते हो, ये इससे 3 मॉलिक्यूल्स प्लस 3 मॉलिक्यूल्स, ये टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बने और इन 6 को डिवाइड किया गया 2 में, 2 पार्ट्स में, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने. ठीक है, सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP. बेटा ये जो आपका टर्म दिया गया RUBP और रुबिस्को, ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और रुबिस्को, ये इस एंजाइम का नाम है. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, रिड्यूस होना. ठीक है, दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिखाया जाएगा. द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ATPs आर गोइंग टू गेट यूटिलाइज, 2 ATP. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर 1 दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 6 ATP कंज्यूम होकर के 6 ADP में हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा. ठीक है, प्लस NADPH इज ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इन टू NADP और यहाँ पे भी 6 ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे. ठीक है, अभी क्या होगा, नाउ दिस ग्लिसरल्डिहाइड, ये जो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इनके बीच में बेटा कई सारे रिएक्शंस होंगे, दैट रिएक्शंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज बेसिकली द सॉर्ट ऑफ समराइज वन और द बेसिक वर्जन यू कैन कंसीडर. तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो कि फर्दर आपका कन्वर्ट हो रहा है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में. ठीक है, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है आपके, एंड द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड. तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक साइकिल, 2 के लिए 2, 3 के लिए 4, सॉरी 3 के लिए 3, 4 के लिए 4. तो इस तरीके से करते करते बेटा आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रन दिस साइकिल, 6 टाइम्स. ठीक है, 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना कार्बन होता है, 6. तो आपको ये साइकिल कितनी बार, ये CO2 एक बार में सिर्फ एक ही एक्सेप्ट होता है, एट अ टाइम ओनली 1. तो 6 टाइम यू हैव टू ऑपरेट दिस साइकिल. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिडक्शन, जिसमें ग्लूकोज का जनरेशन होता है, कहाँ से, दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गॉट कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज. सो दिस इज नोन एज अ रिडक्शन फेज. Now this is the regeneration phase, regeneration of CO2 acceptor molecule. CO2 को accept करने वाला जो molecule था वो था ribulose biphosphate. This is ribulose biphosphate. इसको दोबारा से produce किया जा रहा है. That is the reason it is known as a regeneration. ठीक है, so it is getting regenerated. That is the reason it will be termed as regeneration reaction or regeneration phase. ठीक है,
दिस रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 180p और इसको रीजनरेट यानी रेबुलोज बाइफॉस्फेट को इससे ग्लिसरेडिएट 3-फॉस्फेट को रेबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ATP का खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने थ्री मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो आपको यहाँ पे 3 ATP और 3 ADP दिखाया गया, और यहाँ पे आपने 6 मॉलिक्यूल्स लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 6 ATP से 6 ADP, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही आपको दिखाया गया 6 NADPH से 6 NADP। Now the regeneration step require 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. So regeneration from this glyceraldehyde 3-phosphate को 5 molecules के glyceraldehyde 3-phosphate में convert करने के लिए आपको ATP का खर्चा करना पड़ेगा, expenditure देना पड़ेगा, and then only you are going to get ribulose biphosphate. Hence, for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 molecules of ATP चाहिए और 2 molecules of NADP चाहिए रहेंगे। क्यों बेटा आपको 3 molecules कैसे? Let's see over here. आपने यहाँ पे ATP यूज किया था 1 molecule पे 2 और 1 molecule पे 1 ATP आपने यहाँ पे कंज्यूम किया था, तो बिकॉज 2 molecules ऑफ ATP यू हैव यूज्ड ओवर हियर एंड 1 हियर, तो ओवरऑल 3, ठीक है। एंड NADPH की बात करते हैं तो यहाँ पे NADPH केवल 2 यूज किए गए थे, 2 यहाँ पे यूज किए गए थे आपके, 2 ATP यहाँ पे यूज किए गए थे फॉर 1 CO2, और आपने यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 × 2, यहाँ पे 2 कंज्यूम होता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो 6 कंज्यूम होंगे आपके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, गॉट इट। तो यहाँ पर आपका एक ही ATP कंज्यूम होता है एक साइकिल में, ठीक है, और यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम होते हैं और यहाँ पे 2 molecules ऑफ NADPH आर कंज्यूम, बिकॉज यू हैव प्लेस 3 ओवर हियर, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो यू गॉट 6 ओवर हियर एंड हियर आल्सो 3 molecules, तो यहाँ पे एक ही कंज्यूम होता था तो इट गॉट 3। टू मेक 1 molecule ऑफ ग्लूकोज 6 turns ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड, ओके, सो वर्क आउट हाउ मेनी ATP एंड NADPH molecules विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 molecule ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what comes out. So let's see what goes in and what's come out. In क्या होता बेटा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, तो क्योंकि बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन चाहिए हमको? 6 चाहिए, तो यहाँ पे आपको इसीलिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने पड़ेंगे। इन कितने होते हैं आपके? 18 ATP, तो आउट उतने ही होंगे, और वैसा ही NADPH जितने आपने 12 लिए थे तो NADP बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा वो रिएक्शन में यूज किया जाएगा, और यहाँ पे का हाइड्रोजन आए डिसोसिएट होगा यहाँ पे और वो भी यूज कर लिया जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे दिस यू आर सपोज टू लर्न properly. So this was all about the basic version of the Kelvin cycle, and the advanced version, that is the complete reactions, you are going to study in the next video. Do this much. Thank you.